शायद जल्दी निकल जाए, जो लग रहा है वार्म वाटर डाल दूंगी तो तुरंत निकल जाएगा। इसको लगा काफ़ी दिन से जम गया है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया था पहले, अभी इसको पूरा निकाल के पूजा का टाइम है तो मैं बोली साफ करके अच्छे से, दीपावली भी आ रही है, साफ सफाई हो जाएगी। पानी डाला था उसके बाद गर्म पानी भी डाला था, एक के ऊपर एक मैंने चिपका दिया था तो थोड़ा टाइम लगा, लास्ट में सैनिटाइजर से ग्लू जो है इसका पूरा निकल गया। अभी इसको और थोड़ा सा साफ कर दूंगी, बस हो गया। अभी मंदिर का लुक ऐसा है, ये देखिए बिना अभी पेंट नहीं, ये पहले का मेरा ऐसा डिजाइन था, काफी पहले से किया हुआ था। वायरिंग का मैंने इसके अंदर से पीछे की तरफ से दिया है ताकि प्लग पॉइंट में कोई लगाने में आगे कोई डिस्टरबेंस ना हो वायर का, क्योंकि दिया हुआ जलता है मंदिर के अंदर, तो उसी के हिसाब से मैंने वायर पीछे की तरफ से लगाया है। अभी इसमें पेंट करूंगी, उसके बाद देखती हूँ कि मंदिर। लाइनिंग के लिए मैंने और आगे के लिए गोल्डन पेंट लिया है, ये है पेंट का गोल्ड कलर का, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना। ये हैंडमेड पेपर लिया है, ये थोड़ा थिक होता है इसलिए इसको मंदिर में आप लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसके साइज का है, ये बहुत अच्छा लगेगा, ये देखिए कलर भी नाइस। ऑलमोस्ट मंदिर की पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, अब इसमें भगवान जी को लगाना है, पेपर वेपर डाल दिया है। ये मेरा पूजा का बॉक्स है, इसमें मैं सारे पूजा का सामान रखती हूँ, क्योंकि आने में फिर एक जगह सामान इसमें रख देती हूँ तो फिर आके तुरंत ही सारा पूजा का सामान मिल जाती है। अच्छा आया इस तरह से बनवा दिया ताकि इसमें अच्छे से पूजा का सामान आ जाए। बॉक्स होता है तो ये ऊपर से खुलता है, तो फिर इसके ऊपर मंदिर रख दो तो फिर मंदिर उतारना पड़ता है बार बार, तो दिक्कत होती है। और ऐसे डेस्क बनवा लिया तो अभी मुझे आराम से ये सारा पैकिंग भी कर दिया, इसके अंदर पैक करके रख दिया और उसके बाद इसके ऊपर मंदिर रख देती हूँ तो आराम से पूजा भी करने में बनता है और सामान भी इकट्ठा एक जगह इसमें मिल जाता है मुझे। अभी इसमें मैं ये लगाऊंगी पेपर, ये हैंडमेड पेपर है, थोड़ा मोटा है, देखती हूँ ये ब्लैक है, इस पे लगा दिया है मैंने। अब इसमें सामने की तरफ लगा रही हूँ तो दो पार्ट में है, तो इसको भी नाप के इधर से मैं कटिंग करूँगी पेपर। रेड कलर का ये सिर्फ 20 रुपीस और ये 20 रुपीस, 40 रुपीस का लगा मुझे ये। और मंदिर का बॉक्स का मैंने ऐसा मेकओवर कर दिया। तो माय मंदिर सेटअप इज रेडी। और अभी इसमें थोड़ा बहुत जो
फोटो इसके अंदर मैं पैक करके रखी हूँ उसको लगाना है। ये परफेक्ट पोजीशन मुझे इस बार मंदिर रखने के लिए मिला है, पूजा करने के लिए। और यहाँ पे बिल्कुल लाइट का कनेक्शन है क्योंकि रेंटल हाउस में तो सब कुछ अपने तरीके से नहीं होता है, तो यह इस बार मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। ये मंदिर पहले आपने देखा था और अभी देखिए मैंने मंदिर को वाइट नहीं ऑफ वाइट और गोल्डन से पूरा कर दिया है। कैसा लगा? और इसमें अगर कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे ज़रूर सजेशन दीजिए। अभी डस्ट लग गया था तो इसको भी मैंने पेंट कर दिया थोड़ा।